एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्रेयोशी कोलकाता से। आज मैं आप लोगों को लेके जाने वाली हूँ कोलकाता में ही राजस्थान घुमाने। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा निको पार्क सॉल्ट लेक। इस साइड जो रास्ता जा रहा है उधर आपका निको पार्क मेन गेट आएगा और इस साइड आप देख सकते हैं यहाँ पे एरो देखे लिखा हुआ है टेक्नो इंडिया कॉलेज, वहाँ पे बहुत ही फेमस है ये, तो ये लैंडमार्क हो गया। आप वहाँ पे किसी को भी पूछेंगे तो आपको बता देंगे। और ये बाहर में जो रोड आपको दिख रहा है चारों तरफ, यही आपको अपना व्हीकल या जिससे भी आप आ रहे हैं आपको पार्क करना पड़ेगा और इसके बाद आपको मेन गेट से अंदर जाना है। निको पार्क साइड से अगर आते हैं तो आप निको पार्क के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड से जो लेन आ रहा है उसी से आपको थोड़ा सा आगे चल के आना है, तो आपको ये गेट लाइट सब कुछ दिख जाएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हो रहा है। और यही पे आज मैं आप लोगों को लेके जाने वाली हूँ। ये देखिए मेन एंट्री गेट है, यहाँ से आपको अंदर जाना है और घुसते ही आपको यहाँ पे टिकट काउंटर मिलेगा जहाँ पे आपको 200 रुपीज़ का पर पर्सन का टिकट लेना होगा। और ये अंदर में हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ पे आपको पूरा एकदम राजस्थान वाला फील होगा क्योंकि ये है राजस्थानी मेला। ये बहुत पहले एक बार हुआ था इधर सॉल्ट लेक में, उसके बाद काफ़ी सालों से ये नहीं हुआ था और इस साल ये फिर से हो रहा है निको पार्क में। 24th of December से ये चालू हुआ है और 31st of December तक ये चलेगा। इसका जो टाइमिंग है वो है शाम के 5 बजे से रात के 10 बजे तक ये मेला ओपन रहता है। ये देखिए अंदर में जितने भी वहाँ पे आपको स्टाफ दिखेंगे वो सब राजस्थानी उसी तरीके के ड्रेसअप में दिखेंगे आपको, पगड़ी और पूरा वो धोती और उस तरीके के। और इस तरीके से वहाँ पे बहुत सारे ऐसे अलग अलग स्टॉल है, वहाँ पे इस तरीके का प्रोग्राम हो रहा है, ऐसे सिटिंग अरेंजमेंट्स है। तरीके का अलग अलग प्रोग्राम आप वहाँ पे बैठ के इंजॉय कर सकते हैं। इसके लिए अलग कोई भी टिकट आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, वो जो एंट्री टिकट है उसी से हो जाएगा। इसके बाद वहाँ पे कुछ इस तरीके का कुछ स्टॉल है जहाँ से आप ऐसे डेकोरेटिव सारी चीज़ें, फ्लावर्स, इस तरीके का लाइट, इस तरीके का स्टॉल है। बहुत ज़्यादा नहीं है, 5-6 ही स्टॉल है, इस तरीके से आप वहाँ से ले सकते हैं। फिर वहाँ का कुछ राजस्थानी ऐसे अचार, फिर मखानी, ऐसे घर के बने हुए पापड़, बहुत तरीके का ऐसे उस तरीके का खाना भी उस तरीके का स्टॉल है, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 180, 150, 200 इस तरीके का अलग अलग वहाँ पर इस तरीके का रेडीमेड बॉक्स बनाए हुए है, जितने ग्राम्स का आप लेंगे उसी तरीके का प्राइस आपको मिलेगा। ये ऑथेंटिक एकदम राजस्थानी चीज़ अगर आपको लेना है तो यहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। उसके बाद वहाँ पे एक ऐसे ड्रेसेस का भी स्टॉल था जहाँ पे ऐसे राजस्थानी स्कर्ट, दुपट्टा, ज्वेलरी, ऐसे अलग अलग चीज़ें मिल रहे थे, 300, 500, 1050 ऐसे अलग अलग प्राइस। वहाँ पे इस तरीके से आपको राजस्थानी फोक सॉन्ग, कल्चरल सॉन्ग के ऊपर बहुत सारे अलग अलग परफॉर्मेंस देखने मिलेगा, डांस, सिंगिंग, बहुत कुछ। राजस्थान में जैसे ऐसे खटिया में बैठ के वहाँ पे लोग ऐसे इंजॉय करते हैं गांव साइड में हरियाणा राजस्थान में, उस तरीके से फील देने के लिए यहाँ पे भी इस तरीके का सिटिंग अरेंजमेंट किया गया है। ऐसे विंटर सीजन में आप यहाँ पे बैठ के बहुत अच्छे से इस प्रोग्राम इंजॉय कर सकते हैं। वहाँ से आप डिफरेंट स्टॉल से खाना लेके यहाँ पे बैठ के खाते हुए भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत आपको डिफरेंट फीलिंग देगा ये। Thank you.
पे एक स्टॉल था जहाँ पे डिफरेंट गेम्स वो लोग रखे थे। यहाँ पे कुछ इस तरीके का अलग अलग गेम्स हो रहे थे और आप जीतने पर ये उनके पास अलग अलग इस तरीके से छोटे छोटे कुछ गिफ्ट्स भी थे, सो वो आप जीत सकते हैं। और ये पूरा मेला ग्राउंड है। यहाँ पे देखिए बहुत सारी अलग अलग चीज़ें भी है, जैसे बच्चों के लिए ये हॉर्स राइडिंग और बंजी जंपिंग, डिफरेंट ऐसे उन सब की प्राइस लिस्ट मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। सो इस तरीके से अलग आपको कूपन लेना होगा, फिर यहाँ पे बच्चे जो है एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे बड़ा सा एक स्टेज बना हुआ है जहाँ पे हर शाम को अलग अलग कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं। और इस साइड में पूरा ये राइड वाला सेक्शन है जहाँ पे इस तरीके से आप राइड्स भी एंजॉय कर सकते हैं। सो यूजुअली जिस तरीके के मेले में हम लोग जाते हैं घूमने, वहाँ पे वही सारे ड्रेसेस ज्वेलरी उसी तरीके का स्टॉल होता है और एक ही जैसा होता है वो सारे, लेकिन ये एकदम टोटल डिफरेंट है। यहाँ पे आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो अगर आप कोलकाता में है तो आप 31 दिसंबर के अंदर यहाँ पे जा सकते हैं, शाम को जाइएगा। सो शाम को यहाँ पे इस तरीके से आप ठंड में पूरा वहाँ पे ग्रुप में जाइएगा तो बैठ के थोड़ा सा ये आग के पास बैठ के यहाँ पे खटिए में अड्डा मार सकते हैं, फिर आप डिफरेंट प्रोग्राम्स एंजॉय कर सकते हैं, राइड्स एंजॉय कर सकते हैं। सो ये ऑल टोटल बहुत ही एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छा लगा। फिर यहाँ पे चौकी धानी भी इस तरीके से बनाया गया था। जो लोग भी राजस्थान गए होंगे आप लोगों को पता होगा कि जयपुर में इस तरीके का चौकी धानी है, सो उसी को यहाँ पे भी इस तरीके से बनाया गया है। इसके लिए आपको अलग से वहाँ पे टिकट लेना होगा जो कि 1000 रुपीज़ का है और अंदर में आप वहाँ पे फूड एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको चौकी दानी में नहीं खाना है सो वहाँ पे ह्यूज फूड कोर्ट भी है जहाँ पे इतने सारे वैरायटी फूड आपको मिलेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 30 रुपीज़ टू मैक्सिमम 150 रुपीज़। सो वहाँ से इस तरीके का कूपन आप ले सकते हैं, ये एंट्री में ही आपको मिल जाएगा फूड कोर्ट के एंट्री में। सो ये रिफंडेबल है, जितना आप यूज़ करते हैं ठीक है, बाकी आप कूपन रिटर्न कर देंगे तो वो आपको बाकी जितना आपका बैलेंस अमाउंट है रिटर्न कर देंगे। और अंदर में इस तरीके का अलग अलग पूरा स्टॉल लगे हुए हैं, बीच में इस तरीके का सिटिंग अरेंजमेंट्स भी है जहाँ पे आप बैठ के फूड एंजॉय कर सकते हैं। और बेस्ट पार्ट है कि यहाँ पे सारे लाइव काउंटर्स है, वो आपके सामने तुरंत बना के फिर दे रहे हैं, जैसे वहाँ के मसाले टी, फिर वहाँ के ये दूध, फिर जलेबी, पिज़्ज़ा, सूप, सैंडविच, इस तरीके का बहुत सारा ऑप्शन। और फिर कुछ जो राजस्थानी होते हैं चाट, फिर साउथ इंडियन काउंटर, फिर
ऐसे बहुत से फुचका चाट, ये सारे बहुत अलग अलग इस तरीके का वहाँ पे स्टॉल है। यहाँ पे कुछ मेन कोर्स का भी ऑप्शन है, जैसे आप अगर चाइनीज़ लेना चाहते हैं तो वहाँ पे बेबी कॉर्न, फिर चाउमीन, और अगर आप थोड़ा इंडियन लेना चाहते हैं तो इस तरीके से वहाँ पे रुमाली रोटी, पनीर बटर मसाला, इस तरीके का कॉम्बोज भी है। सो आप उस तरीके से भी ले सकते हैं। सो ये बहुत बड़ा एक पूरा काउंटर था फूड कोर्ट, और आप जितना भी चाहते हैं कस्टमाइज़ भी करा सकते हैं। अगर आपको कुछ चीज़ नहीं डालना है तो आप बताएंगे तो उस हिसाब से वो लोग आपके सामने ही पूरा बना के देंगे फ्रेश एकदम। सो यहाँ पे बैठ के बहुत अच्छे से आप फूड कोर्ट में खाना इंजॉय कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये पूरा जितना एरिया आपको सामने दिख रहा है, यहाँ पे पूरे एरिया में अलग अलग इस तरीके का स्टॉल्स लगे हुए थे, और प्राइस भी बहुत रीजनेबल था। सो मैं तो हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप लोग एक बार ज़रूर यहाँ पे विज़िट करिए। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगे सो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे नए वीडियो में। बाय बाय।